हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटीफुल इजी लाइफ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने शैम्पू में ऐसा क्या मिला के लगा सकते हैं जिससे कि आपके बालों की लंबाई भी बढ़ेगी, साथ ही में आपके बालों का झड़ना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर एक खाली बर्तन, और अभी मैं जो टोनर का प्रयोग कर रही हूँ ये है लौंग का टोनर, जिसका वीडियो मैंने पहले डाला है, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो आपके पास कोई भी टोनर है आप ले सकते हैं, चाहे वो लौंग का हो या फिर मेथी दाना का हो या फिर फर्मेंटेड राइस वाटर हो, बस आपको यहाँ पे एक टोनर की ज़रूरत होगी। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पे ले लिया है लौंग से बना हुआ टोनर, जो कि हमारे बालों को बहुत ही जल्द लंबा भी करता है, साथ ही हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को काफ़ी ज़्यादा फास्ट करता है, इससे हमारे बालों की लंबाई बहुत ही जल्दी होती है। तो फ्रेंड, आप कोई भी टोनर ले सकते हैं। अभी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ वो है पतंजलि का आंवला रस। तो आपको यहाँ पे पतंजलि का आंवला जूस डालना है। तो पतंजलि का आंवला जूस मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ 4 से 5 चम्मच, जिससे कि इससे हमारे बालों की लंबाई भी बढ़ेगी और ये हमारे बालों को घना बनाता है, काला बनाता है लंबे समय तक। और फ्रेंड, अगर आपके बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं या आपके बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप कोई रेमेडी भी ना यूज़ करें और आपके बालों का झड़ना भी बंद हो जाए, तो आप अपने शैम्पू के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे भी आपके बालों की लंबाई बढ़ेगी, साथ ही आपके हेयर पर कोई भी प्रॉब्लम हो सभी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो फ्रेंड, ऐसे तो मैं सतरीठा शैम्पू का प्रयोग करती हूँ, लेकिन वो अभी मेरे पास नहीं था, तो मैंने यहाँ पे लिया है सनसिल्क शैम्पू। ये भी काफ़ी अच्छा शैम्पू होता है, इसमें भी आंवला रीठा शिका का ही होता है, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं तो इसमें सनसिल्क शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी शैम्पू है आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं वो इसमें डाल सकते हैं। तो फ्रेंड, शैम्पू मैं इसमें कम डाल रही हूँ, बाकी मैंने इसमें टोनर ऐड किया था और मैंने इसमें आंवला जूस काफ़ी ज़्यादा ऐड किया है और शैम्पू में बहुत ही कम ऐड कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि हमारे बालों को बहुत अच्छे से क्लीन भी कर देता है शैम्पू, साथ ही हमारे बालों को ज़्यादा नुकसान भी नहीं पहुँचा पाता है, क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी पहले से 2 ऐसी चीज़ें डाल रखी हैं जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। तो अगर आप ऐसे शैम्पू का प्रयोग करते हैं तो इससे आपके बाल भी अच्छे होंगे, साथ ही आपके बालों को ज़्यादा डैमेज बिल्कुल भी नहीं कर सकेगा। तो फ्रेंड, आप इसमें कोई भी अपनी मनपसंद का शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास ही में बने बेल आइकन पर प्रेस करें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो मैंने इसे रेडी कर लिया और इससे आप अपने हेयर को वॉश कर ले और आप चाहें तो इसको बना के भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या फिर ख़राब लगती है कॉमेंट करके ज़रूर बताया करें, साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दें जिससे कि उनको भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं किसी अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय फ्रेंड।